अब मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन आ रहा है कब? बहुत दूर है, 18 नवंबर बहुत दूर है, अगले महीने अक्टूबर है, तब तक तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा मैथ्स हो जाएगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो देखो, हम स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। स्टैट्स में मुझे ये बताओ तुमने क्लास 10th में और 9th में क्या पढ़ा है? स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा है तुमने? मीन, मोड एंड मीडियन। अच्छा चलो तुम बताओ, फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, मीन क्या होता है बताओ। गलत गलत, तुम बताओ, कोई बताएगा मीन क्या होता है? यस, एवरेज। ये वो वाली बात हो गई ना कि एक औरत है, उसके 4 बच्चे हैं, एक 2 रुपए कमाता है, एक 6 रुपए कमाता है, एक 10 रुपए कमाता है, एक 15 रुपए कमाता है, तो मम्मी को दे देते सब लोग। अब माँ जब बंटवारा करेगी प्रॉपर्टी का तो बराबर बराबर देगी ना, तो वो मीन होता है। नहीं 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 नहीं, वो माँ है, ठीक है, वो बराबर ही देगी, वो अलग अलग नहीं देगी, बराबर देगी। हाँ जी, ये होता है मीन। मीन मतलब एवरेज, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? कोई ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम मुझे बताना। डेटा है मेरे पास 3 7 4 5 3 2 9 7 8 3 10, ठीक। इनका मुझे मीन बताओ कितना होगा। मीन बोले तो एवरेज, मीन बोले तो एवरेज। क्या होगा मीन? क्या होगा मीन? फॉर्मूला नहीं बताना है मुझे, मुझे तो बस मीन बता दो, इसका कितना होगा? भाई देखो 4 7 और 3 10 10 और 9 19 19 और 5 24 24 और 9 33 33 और 10 43 53 और 8 61 61 है, तो मीन हो जाएगा हमारा 61। अब इतने रुपए बांटने कितने लोगों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जाएगा ये? 11.5 के लगभग बैठेगा, 5.5, इतना ही बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए मोड बताओ मुझे, मोड क्या है इसका? मोड क्या है? टू। कैसे बेटा? मोड होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं देखो यहाँ पे क्लास है, क्लास में मार्क्स आए हैं, मार्क्स एवरेज मार्क्स क्या होता है? चेंज हो सकते हैं। मान लो इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, इसके 100 में से 100 हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और इसके 0 में से 0 हैं, ठीक। किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, 40 हैं, 45, 50। डेटा जो है ना बहुत दूर दूर बिखरा हुआ है, 100 0 10 15 30 45 60, इस तरह से। तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज मान लेते हैं इन सबका 60 आया, इन सबका कितना आया? 60 आया। ये 100 के 2-3 बंदे बैठ गए, ठीक है, तो क्या हुआ डेटा? 60 के आसपास आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ क्या वो सही पिक्चर है डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को पढ़ने की? क्या इसमें लगभग सभी लोग 60 नंबर लेके आते हैं? एवरेज तो यही कहता है। भाई किसी भी कॉलेज में जाते हो तुम, किस बेस पे जाओगे 11th 12th के बाद? कि भाई एक तो फीस कम हो, पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई अच्छी क्यों देखते हैं? जिससे कि हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो। प्लेसमेंट कैसे देखते हैं अच्छा होता है? प्लेसमेंट तो हर एक कॉलेज करा देता है भाई, इधर ये जीएल बजाज है, ये सब कॉलेजेस पता है तुम्हें, एमईटी, ये सब का प्लेसमेंट करा देते हैं। बस कॉल लेटर नहीं आता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, कॉल लेटर आ जाता है। मतलब सिलेक्शन हो गया बट बुलाते नहीं, ठीक है। अब दूसरा कॉलेज है वो कम बच्चों को सिलेक्ट करता है, उनके पैकेज जो है अच्छे होते हैं। एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो तुम पैकेज देख के जाओगे ना, तो तुम क्या देखते हो? एवरेज पैकेज। उस टाइम पे क्या काम आता है कि ऑन एन एवरेज क्या पैकेज बैठ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी क्लास के नंबर्स की बात करूं, यहां पर मैं कैसे बताऊंगा कि यहाँ के बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? अब एक बच्चा तो लेके आ रहा है 100, दूसरा बच्चा, बाकी सब बच्चे लेके आ रहे हैं कोई 15 कोई 20, तो एवरेज बढ़ जाएगा। बट क्या वो तुम्हारी क्लास की सही पिक्चर है? नहीं ना। तो हम ये देखते हैं कि जनरल ज्यादातर नंबर, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। बात समझ में आ रही है कि भाई 20 नंबर किसके सबसे ज्यादा हैं, कितने लोगों के हैं? अगर मान लेते 30 में से 20 लोगों के 30 के इर्द गिर्द मार्क्स हैं, तो सही पिक्चर क्या है कि तुम्हारी क्लास किस लेवल की है? 30 नंबर की औकात है तुम्हारी, ठीक है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 100 में से 30, 100 में से 80 में से मान लेते हैं, चलो ठीक है 80 में से मान लेते हैं, इतने ही तो लाते हो लास्ट टेस्ट में, तो इतने भी नहीं होंगे तुम्हारे, है? सही है, चलो। हाँ तो अब बताओ मोड का मतलब क्या है कि कौन, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही उस डेटा का मोड होता है। बात समझ में आ रही है? जो भी नंबर, जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मोड होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड कितना होगा? 3 होगा, ठीक। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता है जो बीच में बैठा हुआ है ना, सीट के बीच में बैठते हैं ना, आधे इधर आधे इधर। तो कौन सा डेटा है? टू। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको डेटा को ऑब्जर्वेशंस भी कह देते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो? ऑड हो, तो बेटा मीडियन निकालने का तरीका होता है n+1/n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है इसमें? 11 और 1 12 12 का आधा 6 होता है। वैसे ये इसके यहाँ TH लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 6 नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 2। लेकिन ये गलत है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि डेटा पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं है ना। तो इसका मतलब अभी हमें इसका मीडियन नहीं निकाल सकते, पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10, फिर उसके बाद 9, उसके बाद फिर 7 2 टाइम्स, फिर 5, फिर 4 3 3 टाइम्स 2, यही है। अब बताओ मुझे 6 नंबर पे कौन सा है? 5th नहीं 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कौन सा है? 5। तो इसका मीडियन है 5, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों को पता है क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होता है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा था, उसमें क्या था? एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू का मतलब होता है उसकी तरफ जाना। तो इनकी तीनों की टेंडेंसी, टेंडेंसी पता है ना तुम्हें क्या होती है? टेंडेंसी का मतलब होता है जैसे कुत्ते की टेंडेंसी है भौंकना, है ना, ह्यूमन की टेंडेंसी धोखा देना नहीं होती? कहते नहीं धोखा तो तुम्हारी फितरत में है, तो ये फितरत ही है। तो इसकी कैसी फितरत है भाई? सेंट्रल टेंडेंसी है। एक कैसी फितरत है इसकी? तो ये तुम्हें पता है जब शोज होते हैं, लाइव शोज होते हैं, तो उसमें जब ऑडियंस हंस रही होती है ना, तो जो वहां पे खड़ा होता है वो चुप हो जाता है ना, कि पहले हंस लो उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर इन सब की कैसी टेंडेंसी है बेटा? सेंटर, मतलब सेंटर की चीजें ये बताते हैं। अब तुम बोलोगे सर अगर तीनों ही बताते हैं तो ये अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज होती है, ठीक है। कहीं पर इस तरह का डेटा हमें पसंद हो कि बीच में क्या है वो यूज होता है। कभी कभी हम मोर देखते हैं, मोर कहां पर देखेंगे, है ना, ज्यादा बार रिपीट हो। अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी कंपनी को टावर लगाना है तो वो क्या देखेगा? मोर देखेगा ना, कि एयरटेल के सबसे ज्यादा यूजर्स कहां हैं, है ना, वो वही लगाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें देखी जाती है। और आजकल तो चली डेटा बोल रहा है, जो डेटा को जितना अच्छे से पढ़ लेगा वो तो नहीं कामयाब है। पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स करके बहुत बड़े बड़े पैकेज उठाते हैं, और ये सच बताऊं उनको बस कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस सीखनी होती है, क्योंकि उन्हें डेटा रीड करना आता है। तो अगर तुम्हें डेटा रीड करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो स्टार्टिंग है, ये तो क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके बाद इसकी पूरी एक अलग पढ़ाई होती है, मास्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। क्लियर है? क्लियर भाई दीक्षा? हाँ सर। अच्छा मुझे ये बता दो, मीन निकालने के कौन कौन से मेथड तुमने पढ़े हैं? एक तो डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन, और एक और था वो मुझे याद नहीं। बहुत परेशान कर रहे हैं ये, कहाँ पर हो रहा है? कहीं हो नहीं है ना कुछ? ये तो मक्खी है। हो गया ना काम? इधर आके देखो कितने मारे मैंने, आधे इधर पड़े हुए हैं। चलो फिर ठीक है। हाँ जी देखो, डेटा जो है दो तरह का दिखेगा तुम्हें। एक होगा अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा सर ऐसे रैंडम नंबर्स लिखे हुए बहुत सारे। हाँ अनग्रुप्ड डेटा मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सारे नंबर अलग अलग, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक बात समझ में आ रही है? कि अगर मैं इस क्लास में एग्जाम हुआ है तो मैं सबके मार्क्स अलग अलग दे दूं, वो क्या होगा हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अब सोचो मेरी क्लास में अगर 5000 बच्चे होते तो मुझे किसी को हंसी क्यों आ रही तुम्हें? नहीं हो सकते हैं जी? इसको हंसी आ रही है कि नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी बात समझ में आ रही है? अनग्रुप्ड का मतलब है सब डेटा अलग अलग, इंडिविजुअली दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा जो है दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही कहते हैं, याद है? कुछ नहीं है, नहीं है याद। अच्छा, डिस्क्रीट क्या होता है? देखो, डिस्क्रीट में ग्रुप तो रहेगा लेकिन डेटा ऐसे रहेगा, देखो इस तरह से। ये होगा तुम्हारा डिस्क्रीट, इसमें ये मैं रखूंगा कि ये मेरे मार्क्स हैं। अब देखो, इधर 3 मार्क्स 3 लोगों के थे, अलग अलग लिखे उसने, अलग अलग लिखे क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है। अगर मेरा ग्रुप डेटा होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 मार्क्स और यहाँ पर हो गए कितने लोगों की है, कितने लोगों मतलब फ्रीक्वेंसी। 3 मार्क्स है 3 लोगों के, 10 मार्क्स है 15 लोगों के, 12 मार्क्स है 50 लोगों के, 60 मार्क्स है 10 लोगों के, 70 मार्क्स है 13 लोगों के, 100 मार्क्स है 1 के। तो यहां पर ये क्या है? ग्रुप डेटा है। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उस डेटा में और इस डेटा में क्या अंतर है? मतलब वो डेटा क्या, उसमें क्या इशू था, हमें इसमें क्यों लेके आए, जरूरत क्या पड़ी? देखो, उसमें थोड़े से भी अगर ज्यादा होंगे, यहाँ पे तो कितने 11 है, 50 होते तो दिक्कत आती। नॉर्मल सी क्लास में 50 बच्चे तो होते ही हैं स्कूल में, है ना? तो अब डेटा को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो अगर 100 मार्क्स है, मान लेते हैं कि एक क्लास है जिसमें 1000 बच्चे, ठीक है, और मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, और डेटा इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ऑलमोस्ट सब मार्क्स आए हुए हैं, सब मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, कि 1 भी आया है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इस तरह से। तो हमें कितने यहाँ पर रोज बनाने पड़ेंगे? 100 रोज। बात समझ में आ रही है? चलो, आदमी एक बार को इसको भी कर ले, लेकिन अगर हमें चीजें ऐसे दी होती कि भाई थाउजेंड्स में से होती कुछ चीजें, बात समझ में आ रही है? 1000 में से, फ्रीक्वेंसी नहीं, ये जो मार्क्स जो 100 है, अगर ये 1000 की तरह कुछ डेटा ऐसा होता जो 1000 यहाँ पर तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तो उसमें डेटा लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लास इंटरवल्स। क्या यूज करते हैं? क्लास इंटरवल। उसमें हम कहेंगे कि भाई 0 to 100 इतनी है, बात समझ में आ रही? चलो मार्क्स ही ले लेते हैं, 0 to 100 मार्क्स 50 लोगों के, 100 to 200 60 लोगों के, 200 to 300 इतने लोगों के, 300 to 400, इस तरह से हम करेंगे। तो जितना डेटा बढ़ता चला जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप डेटा में आना पड़ेगा, और ग्रुप में भी कहां पर? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सर, इंटरवल से जॉइंड रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, यहां पर इंटरवल लिखूंगा मैं, इंटरवल, और यहां पर लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटरवल हो जाएगा मेरा लेट्स से 100 में से ले लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और ये इस तरह से डॉट 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 90 to 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं इनकी 15, 20, 17 डॉट 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 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्लास का जो लास्ट है अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट by 2 क्यों करते हैं, और ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर है इतना? तो जितनी इस क्लास की अपर लिमिट है, उतनी ही अगली क्लास की लोअर लिमिट है। कोई चेंज तो आया नहीं, नहीं आया ना? तो यहां पर ये डेटा कैसा है? कंटिन्यूअस है। ये 10 पे खत्म हो रहा है तो ये 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला भी 20 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अब देखो यहां पर एक छोटी सी चीज तुम्हें समझनी है। मैं तुमसे पूछूंगा अगर किसी के मार्क्स 20 मार्क्स है, किसी के 20 मार्क्स है 20, तो वो किस क्लास में आएगा? 20 to 30। ये क्या है 10 to 20? हाँ देखो याद रखो, अगर कोई डेटा किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में है तो वो उस इंटरवल में नहीं, उससे अगले इंटरवल में आएगा जिसकी वो लोअर लिमिट होगा। तो अगर किसी के 20 मार्क्स हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखा है किसी ने? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यस, यहां पर इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ... 91 to 100। फ्रीक्वेंसी ये ले लेते हैं 15, 20, 17, ... लेट्स से ये 19 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको तुम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो या नहीं? कैसे बनाओगे? तुमने पढ़ाया बेटा ये अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। देखो भाई क्लास साइज पता है क्या होता है? क्लास साइज होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबका क्लास साइज सेम है, सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब इसको अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो बड़ा आसान तरीका है, किसी भी इंटरवल की लोअर लिमिट में से, ठीक है, इसमें क्या है लोअर लिमिट 11 है, किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से उससे पिछले वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर दो, -10 कर देंगे, ठीक है, और उसका आधा कर दो। कितना है बेटा 1/2 आया, 1/2 मतलब 0.5। बस उस 0.5 को क्या करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, हर एक क्लास इंटरवल की। बेटा 0 में से मैं 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा माइनस, चलो इसको एक काम करते हैं 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 से 10 कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा बेटा 0.5 हो जाएगा। तो बस यही लिख देना है, 0.5 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10.5। इसमें देखो अपर लिमिट में ऐड करना है वो और लोअर लिमिट से माइनस करना है। सेम चीज हर एक क्लास इंटरवल में कर दो। इसमें से 11 में से 0.5 गया तो कितना आया 10.5, ये कितना हो जाएगा इसमें ऐड कर दो 20. इसमें से माइनस कर दो 20.5, इसमें ऐड कर दो 30.5, इसमें से माइनस कर दो 30.5, इसमें ऐड कर दो 40.5। अब इसमें कितना हो जाएगा 90.5 और ये 100.5। अब मुझे बताओ क्या ये कंटिन्यूअस नहीं हो गई है? जिससे ये एंड हो रही है उसी से अगली स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, सिंपल है। चलिए ठीक है, आ जाओ, इजी है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ मीन निकालना आता है तुम लोगों को? कैसे निकालते हैं मीन बता दो? हाँ फॉर्मूला बताना है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। और ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा बताओ क्या होता है? सम, समेशन, है ना। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो तुम्हें कोई प्रतिक्रिया तुम्हारी कुछ होगी? क्या होगी बताओ जरा। इसको मैं लिख देता हूं f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस डॉट 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 fnxn। यहां तक तो किसी को कोई इश्यू है नहीं। अच्छा, सिग्मा एफ आई का मतलब है f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। यही तो है इसका मतलब। भाई सिग्मा कैसे खोलते हैं? जब आई यहाँ पर देखो, ये अल्टीमेटली ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर सिग्मा के नीचे निशान लगा देगा आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू 1 to n। तो मुझे ये बताओ, आई की वैल्यू एक बार में एक ही डालनी है। पहले क्या डालेंगे? 1 से स्टार्ट होगी तो 1 डालेंगे, तो यहाँ भी आई की जगह 1, यहाँ भी आई की जगह 1। तो f1x1 एक बार डाल दी, प्लस का निशान लगा दो, फिर दूसरा डालोगे 2 हो जाएगा, प्लस का निशान 3। इस तरह से ये चीजें होती रहेंगी। इसमें तो f सिर्फ f आई है, तो ये कितना हो जाएगा f1 f2 f3 डॉट 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 fn। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, ये होता क्या है? एक बात बताओ, जब तुमने पीछे मीन निकाला था, इनका ही मीन निकाला था, यही था। ये सम ऐसे ही तो आया बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। 2 तो है नहीं, 2 कितनी बार है? एक बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 4 कितनी बार है? बाकी सब एक एक बार ही है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए भाई मल्टीप्लाई करते चले। एक बार दो, मैं 3 को 3 टाइम्स ऐड करूं चाहे 3 से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही है ना। तो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, वही है, ठीक है। अब इस डेटा में अगर तुम मीन निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा? ये रहा डेटा, यहां पर तुम क्या निकालोगे? ये क्या बेटा तुम्हारा एक्स आई, ये है तुम्हारा डेटा और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है 3 मार्क्स 3 लोगों के आए, ठीक है, और 10 मार्क्स 15 लोगों के आए। तो टोटल मार्क्स कैसे ऐड करोगे? इनको थोड़ा ऐड करोगे, थप्पड़ मार लो खुद के, एक जल्दी मारो, एकदम टाइम नहीं इतना। भाई एक बात बताओ, 3 मार्क्स कितने लोग हैं? 3 तो कितना हो गया? 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3। अच्छा, 10 मार्क्स कितने लोग हैं बेटा? 15। तो 10 को कितने टाइम ऐड करना है? 15। तो ऐड कितने टाइम क्यों करें? डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर दें। 10 को 15 बार ऐड करो, चाहे 10 की 15 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ अलग नहीं है, ये तुमने पढ़ा हुआ है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रही है बात। चलिए, अब मैं छोटा सा एक तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ठीक है, तुम्हें बताना मुझे। इसका एवरेज बताओ, इसका मीन बताओ। मीन एक तरीका यह है, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। एक तरीका होता है जिसे कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? जो हम खुद से मानते हैं, जो हम खुद से मानते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या माने इसमें? अच्छा, अगर डेटा हम ध्यान से देखें, 197 से वो 200 के आसपास ज्यादा है और 343 एक ही है बस। तो मैं इसमें कुछ कैसा नंबर ले लूं कि कैलकुलेशंस करने में इजी रहे? है जी, 210, 210 या 220, 220 ले लें। चलो मैंने मान लिया, चलो 210, 210 इसमें है, चलो 210 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ये हमने मान लिया, मीन का मतलब होता है कि मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 210 मान सकता हूं। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब जो सब में बराबर बटा हो। तो मैं ये मान सकता हूं कि हर एक ऑब्जर्वेशन 210 हो सकती है। क्या ये 210 है? ये कितनी है? 245। तो 210 से जो भी इसके पास एक्स्ट्रा है ये फेंक देगी, ये दूसरे को दे देगी। तो भाई कितनी देगी ये? भाई 210 से कितना एक्स्ट्रा है? ये नंबर 35। तो ये है हमारा 35 एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, ये कितना एक्स्ट्रा है भाई? 133। ये कितना एक्स्ट्रा है बेटा? 0। ये कितना एक्स्ट्रा है बेटा? ये वाला -13। ये कितना कम है बेटा? -5। अब जो भी ये कम बढ़ती है ना, ये टोटल इतना आएगा। कितना है बेटा? ये कर लो 133 -13 120, 120 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 120 और 30 150 आ गया। तो ये कितना आया? 150। कितना है बेटा? अब इतना एक्स्ट्रा है, ये प्लस में आ रहा है आंसर, तो इतना ये एक्स्ट्रा है। तो जितना ये एक्स्ट्रा सब में बराबर बराबर फिर से बांट दो। तो कितने में डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आ जाएगा ये? 30। तो जो तुम्हारा मीन होगा वो क्या होगा? अज्यूम मीन मेथड में बस ये ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा ये? 210 प्लस 30, कितना आया? 240। तो तुम्हारा मीन कितना है बेटा? 240। ठीक है, तुम्हारा मीन क्या है? 240 है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं अज्यूम मीन मेथड। क्लियर है? सबसे पहले क्या निकाला हमने? देखो ये जो चीजें निकाल रहे हैं ना, ये इस डेटा का क्या है बेटा? डिविएशन है। क्या है बेटा? डिविएशन। कितनी दूर है जो मीन है हमने माना है उससे, कितनी दूर है। ठीक है, जो माना हुआ मीन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसको इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी आई से। तुमने देखा होगा कभी 9th 10th में अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे, मैंने किया क्या? मैंने मीन निकालने के लिए एक तो ए को मान लिया। बेटा ये 30 कैसे आया? हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैंने इसको माइनस किया है, किया है ना। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे लेते हैं? xi से। और उसमें से मैंने क्या किया है? a को माइनस किया है, और उसके बाद मैंने उनका क्या कर दिया है? सिग्मा कर दिया है। सिग्मा अभी मत करो, चलो। अगर एक बात बताओ मुझे, अगर यहां पर 245 एक और होता तो 35 2 टाइम्स आता। ध्यान से सुनना, अगर यहां पर 245 एक और होता तो 35 2 टाइम्स आता। अगर 210 होता तो यहां पर 0 एक और बार आता। अगर यहां पर 197 2 3 4 बार होता तो यहां पर 13 into 4 होता। यस और नो? तो इसका मतलब है इस जो डिवाइड करके माइनस करके आया है उसकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करते अगर ये एक से ज्यादा बार होते। हाँ या ना? भाई कितनी बार आ रहा है वो भी तो हम करेंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Fi। ये क्या हो जाएगा बेटा? Fi। और ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? Di से। किससे करते हैं बेटा? Di से। तो ये है हमारा Fi Di, और सबका सम है तो सिग्मा Fi Di। और मैंने बाद में इसको किससे डिवाइड किया? जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और वो कैसे आती है? सिग्मा Fi से आती है। यही फॉर्मूला देखा है तुमने क्लास 10th में, यही फॉर्मूला देखा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। चलो नोट डाउन करना है तो कर लो, वरना आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चलें। अच्छा, एक और मेथड तुमने देखा होगा। हाँ जी, क्या डाउट बताओ? डाउट तो है, समझ नहीं आया? समझ रही थी क्या? क्या समझ रही थी बताओ? हाँ, उसे कहते हैं रटना, समझना नहीं। मेरी क्लास 10th की वीडियो पड़ी होगी स्टैट्स की, उसको एक बार देख लेना। नहीं पढ़ी हो तो मुझे बताना, मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है? चलो, हालांकि मैंने उस क्लास में क्लास ली थी, शायद रिकॉर्ड ना हो, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी बता दूंगा। नहीं तो तुम्हें इतना समझने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रख सकते हो। इसे कहते हैं रटना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर बता दूंगा। जब मैं बोलूँ ना कि क्लास के बाद रुक जाओ, तो सच में जेन्युइनली अगर डाउट हो तो रुक जाया करो, घर जाने की जल्दी मत रखा करो। घर में वही तुम्हें बोरिंग चेहरे मिलेंगे, हालांकि यहाँ पे भी वही चेहरा है, ठीक है? हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, एक और मेथड पढ़ा होगा तुमने जिसको कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। उसको मैं भी बताना पसंद नहीं करूंगा, क्लास 10th का मेथड है। उसमें बस कुछ नहीं करते, इतना करते हैं कि यहाँ पर जो चीजें आ रही है ना, माइनस करके, है ना, अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होती है, ठीक, तो उससे डिवाइड कर देते हैं और फॉर्मूले में बाद में बस h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड की थी यहाँ पर। उसको कहते हैं म्यू आई। म्यू आई निकलता है एक्स आई माइनस ए, वो तो हम यहां भी कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय एच। डिवाइडेड बाय मतलब एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं? जिससे कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए और वो नंबर मिल जाता है। तुम्हें दिखेगा आगे क्वेश्चन से जब हम करेंगे कि हाँ भाई इससे डिवाइड हो रहा था तो हम कर सकते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड कम यूज करते हैं ऐसे लोग, ठीक है? और सिंस हमने डिवाइड किया था तो इसलिए जब फॉर्मूला लगाते हैं फाइनल वाला तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही है? तो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई म्यू आई प्लस, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दीक्षा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। बेटा स्टैट्स जो है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इजी भी है, लेकिन चीजों को समझो, ठीक है? अब मुझे कौन बताएगा मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन का देखो, अनग्रुप डेटा का तो कैसे निकालोगे? अनग्रुप देखो, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन बताओ। मीडियन निकालने के दो मेथड होंगे। मीडियन डिपेंड करता है अनग्रुप डेटा का निकल रहा है या फिर ग्रुप डेटा का। तो अगर हम अनग्रुप डेटा का निकाले बेटा, तो अगर अनग्रुप डेटा का हम मीडियन निकाल रहे हैं तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, ऑड या इवन। तो सबसे पहले तो हमें ये नोट करना होता है। क्या नोट करना होता है? कि राइट या अरेंज, अरेंज वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग को मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल है। अगर तुमने ये काम कर लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n अगर हमारा क्या है बेटा, n अगर हमारा ऑड है तो बड़ा आसान है। ऑड वाले में क्या करते हैं? मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 th, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये नहीं। लोग पता है गलती ये भी करते हैं कि जैसे n की वैल्यू 15 है, ठीक है, 15 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करके आता है 8, तो बोलते हैं इसका मीडियन है 8, बट 8 मीडियन नहीं है, 8 टर्म मीडियन है। बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखेंगे। तो ये तो बड़ा इजी है, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गोले बना दिए मैंने। बीच वाला गोला बताओ कौन सा है इसका? मीडियन यही तो है, बीच वाला गोला। बीच में कौन सी बैठी है बताओ? कौन सी बैठी है भाई? अब ये फीमेल में वर्ड क्यों यूज करूं, ऑब्जर्वेशन मान लो उनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन बीच में है? बताओ भाई कौन सी बीच में? 1 2 3 करके बोल दो, ये 1 है, ये 2, ये 3, इस तरह से कौन से नंबर वाली बीच में है? देखो अगर 5वीं देखें, यही है 5वीं, तो उधर 4 है, इधर 5 है, तो ये तो बीच में नहीं है। और इससे अगले वाली ले तो उधर 5 हो जाएंगे, इधर 4 हो जाएंगे, तो बीच में क्या होती है? दोनों। तो अब हम क्या करें, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का मीन निकाल के दे देते हैं। इन दोनों का क्या दे देते हैं? मीन। तो मीडियन क्या होता है? मीन ऑफ ये इन दोनों की मीन। अब इस ये कौन से नंबर पे है बेटा, ये कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे कैसे आया? 5th कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2, यही है। 5th टर्म आ गई। 6th कैसे आएगी? +1 कर दो भाई, जो 5th है उसमें +1 कर दो। तो ये कैसे लिखते हैं? 10/2 +1 th। अब ये 6th टर्म आ गई। यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं लोग 10 + 1/2 कर देते हैं। भाई वो तो डिवाइड ही नहीं होगा 2 से, तो उस नंबर वाली टर्म तुम कैसे बता सकते हो? ठीक है ना। तो क्या है ये? n/2 + 1 आ गई दोनों ऑब्जर्वेशंस। अब मीन निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2, सिंपल, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? फॉर्मूला क्या बनेगा? When n is even, अगर n even होगा तो हमारे पास मीडियन होगा, n/2 + 1 th, दोनों टर्म आ गई बीच की, डिवाइडेड बाय 2। गलत बता दी तुम अभी, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? नहीं है। ये है अनग्रुप डेटा का मीडियन, सिंपल, जो कि नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, बेटा तुमसे ज्यादा स्टैट्स में गारंटी ले रहा हूं, 10th वालों को आता हुआ पढ़ाने के बाद ही, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो उन्हें हर एक चीज अच्छे से पता है। अब मैं कितना भी कर लूं, मैं उतना डीपली तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, कोशिश कर रहा हूं मैं। अभी तो इस क्लास का तो कुछ चला ही नहीं है अभी तक। चलिए, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अब मैं छोटे-छोटे एग्जांपल लेके तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है? इसका बताओ कैसे होगा। यहां पर डेटा है मेरा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, ये है एक्सआई, ये है एफआई। अनग्रुप डेटा में ये कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट। सॉरी, ग्रुप डेटा में ये कौन सा होगा? डिस्क्रीट डेटा, है ना। ग्रुप भी तो दो तरह का होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं मैं, 12 मार्क्स, 15 लोग, 5 लोगों के, 15, 18, 20, 25, 25 नंबर का टेस्ट था, ठीक है। सबके 11 से ऊपर मार्क्स हैं, तो 5 7 3 2 5, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें इसका मीडियन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मीडियन क्या है? दिमाग वाइज बताओ मुझे क्या होगा। हर ध्यान सोच रहा हूं। अरे तुम जेनजी हो यार, तुम्हें सोचने में इतना टाइम थोड़ा लगता है, जेनजी। हाँ जी दीक्षा जी बताइए। सॉरी सर, सिग्मा एफ आई वाई टू। सिग्मा एफ आई ना ना सिग्मा तो आता ही नहीं इसमें, सम थोड़ी ना निकालते हैं। 18 कैसे? चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। मिडिल वैल्यू कितनी है? है जी 18। अब देखना जरा ध्यान से, 12 नंबर कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 15 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 18 कितनी बार है? 1 2 3। 20 कितनी बार है? और 25 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। अनग्रुप बना दिया मैंने इस डेटा का, अब बताना बीच में कौन सा है। फिफ्टीन कैसे? बताओ बताओ। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 22। तो 22 इवन में बीच वाला मिल जाता है तुम्हें, तुम में और इसमें तुम कितने हैं? 2 हैं। तुम दोनों के बीच में कौन है? निकाल लिया। फिर अगर मैं तुम्हें यहां बैठा दूं, उसको वहां बैठा दूं, 4 लोग हो जाओगे इधर, बीच में कितने होंगे? बीच में कौन है बताओ? अभी 1 सेकंड पहले यहां फॉर्मूला लिखा है कि भाई n इवन है तो बीच की तो वैल्यू कोई एक आएगी नहीं, 2 वैल्यूज आएंगी, तो जो 2 वैल्यूज आएंगी उनका मीन निकाल दो। तो बीच की 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं बताओ मुझे? 20 की 2 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? यार अब तो बता दो यार, शर्म कर लो कुछ। 15 आएगा पक्का? मुझे नहीं लगता। ऑनलाइन वाले बच्चे सब 15 है। 15 है? किस्मत अच्छी थी उसकी। दीक्षा बताओ बेटा। मुझे तो 15। अरे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 22। तो 22 है तो कौन कौन सी बीच में होंगी? 11वीं और 12वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा ये भी यही है, सॉरी मुझे कुछ और लगा था, माफी चाहूंगा मैं। तो 11 और 12 का कितना हो गया? 15 हो गया मीन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सॉरी मीन क्या है, मीडियन कितना है इसका? मीडियन है इसका 15। अब एक बात बताओ, तुम जरा ध्यान सोचो जरा, अगर मैं हर डेटा को ऐसे लिखूं तो फिर इसको इसमें लिखने का फायदा क्या हुआ? सही बात है ना? तो इसीलिए ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? सिग्मा एफ आई, इन सब को जोड़ दो, 22 हो गई। ठीक है, क्या है तुम्हारा? ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में कौन सा? डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 22। तो बेटा मीडियन क्या होगा? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन को। मीडियन होगा तुम्हारा n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाय n/2 कितना है हमारा? n/2 कितना है? 11। ठीक है, तो 11th। ठीक है, n बाई टू 11 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 11th टर्म एंड 12th टर्म डिवाइडेड बाय 11th टर्म क्या होगी, देखो ध्यान से देखो 5 और 7 भाई 5 तक यहां पर है ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहां पर होंगे, तो 11 और 12 तो इसी में होंगे, उनका डेटा कितना है, उनके मार्क्स कितने हैं 15, तो भाई 11वीं भी 15 और 12वीं भी 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2। ये सुनो ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर है मामला, चलो। अब इसीलिए यहां पर हमें बार बार जोड़नी ना पड़े, हम एक यहां पर एक कॉलम लेके आते हैं जिसका नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका अगला जो होगा कॉलम वो क्या होगा CF। CF का मतलब है यहां तक कितनी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, ये 5 आई है यहां तक कितने होंगे बेटा 5, पिछले में 7, इसमें 12, यहां पर 15, यहां पर 17 और यहां पर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में, है ना, कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए यहां पर हम क्या लेके आते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि अब तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, बात समझ में आ रही है, चलो। अब लास्ट इसमें जो आता है वो आता है मीडियन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला किसको याद है, फॉर्मूला किसको याद है भाई, हाँ जी बताओ, L प्लस n बाई टू, हाँ अपॉन f इंटू, बुक में से देख के बोला है, कहां से देख के बोला है, याद है किसका मोड का बताओ, पहले तो तुमने f2 माइनस f1 बोला और फिर डिवाइड में उनके नीचे 2f2 माइनस f1 माइनस, ठीक है सही है, याद है मतलब तुम्हें, है ना। चलो अब ये बताओ मुझे ये CF क्या होता है, ये तो गड़बड़ कर दी, कौन बताएगा CF क्या होता है, किसके मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 108 बताइए, बेटा दीक्षा तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, दिख रही है तो मतलब मैं बैठ घुमाता वो तुम्हें दिखता हूँ, मतलब सर ये सामने वाली स्क्रीन में, हाँ अब तो दिख रहा है, तो मैं इतनी देर से उसको घुमा रहा था, मैं दिख जाता था, अरे यार मुझे तो लगा मैं दिख नहीं रहूंगा सर को ये देख करते हैं इतने मच्छर तो मार रहा है, अरे नहीं मुझे ये डालनी है ना YouTube पे, अब YouTube पे देखेंगे मच्छर मार रहा है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताइए, देखो CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टाइम बताना यार, टाइम क्या हो रहा है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजनिंग है, ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, और बड़ा इजी सा सिंपल सी बात है, वो मैं तुम्हें अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तुम बस एक काम करना, एक क्लास 10th का कोई भी एक क्वेश्चन मीडियन का करके आना इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, और एक करके आना मीन वाला, अगर तुम्हें ना मिले तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना काम कर लेना बस, अच्छे समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। इतना समझ में आया, बस इतना ही काफी है, ठीक है।